समोसा फ्री में तो अपनी बात है चुनाव के दौरान। 111 फीट का बजरंग बली का प्रतिमा बनवाऊंगा। इस बार तो लहसुन का माला पहनूंगा मैं, क्योंकि लहसुन का 120 रुपए किलो है। कांग्रेस और भाजपा को टक्कर देने के लिए अजय पाली गांव की तरह पैसे वैसे भी बांटते हैं क्या? जी नहीं, मेरा तो प्रेम बांटने का काम है बस। तो मैं जानता हूँ कि ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे जैसे गरीब आदमी को वोट दीजिए ना। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को होता है। ऐसी ही एक शख्सियत है कवर्धा में, जिनका नाम है बाबा पाली, जिसे बाबा समोसा वाले के नाम से लोग जानते हैं। और इनका एक और परिचय है, ये परिचय उनका बेहद खास उनको बनाता है, क्योंकि बाबा पाली कवर्धा क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक चुनाव में अपनी भागीदा जरूर निभाते हैं और हर चुनाव जरूर लड़ते हैं, चाहे वह चुनाव पार्षदी का हो या विधायकी का या सांसदी का। आइए उनसे बात करते हैं कि चुनाव लड़ने का जुनून इनमें कैसा है और क्या बातचीत है इनकी। तो बाबा आप बताइए कि चुनाव आप कब से लड़ रहे हैं और ये चुनाव लड़ने का शौक कैसे आप में आ गया? मैं क्या है, 2007 से नगर पालिका अध्यक्ष का सबसे पहले चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ने का मतलब ये होता है कि हमारे जैसे गरीब आदमी, मैं भी एक गरीब आदमी है, मजदूर हूँ, है ना, कि जैसे कोई भी कार्यालय में चले जाओ आप, गरीब लोगों का इधर से उधर चक्कर काटते काटते चप्पल गिर जाता है, काम नहीं होता, माथा पत्थी करते हैं, रोते हैं, अधिकारी लोग क्या है मोबाइल धरे बैठे रहते। तो मैं जानता हूँ कि ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे जैसे गरीब आदमी को वोट दीजिए ना। छोटा आदमी को वोट देने से आप मिल सकते हैं आसानी से, आपका काम भी आसानी से होगा। बड़े आदमी से मिल नहीं सकते, जैसे अध्यक्ष बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, एसी रूम में बैठे रहते हैं, गप्पे सप्पे मारते रहते हैं, कहीं चना मुरा खाते रहते हैं, कहीं समोसा भजिया ऐसे पकौड़े वगैरह, कि हमारे गरीब आदमी उनको देखते रहें कब निकलेगा, कि हमारे अध्यक्ष महोदय की, विधायक महोदय की, सांसद महोदय, उनसे काम कराना है। तो आप विधायक बन जाओगे तो ये सब बंद करा दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बाहर में ही बैठूंगा ना, कुर्सी लगा के जन दर्शन के कार्यक्रम जैसा चलता है ना, खुला में बैठूंगा मैं, आम मजदूर की तरह, आम किसान की तरह। और जो भी विधायक का सांसद का जो भी अगर उसका पेमेंट होगा उसमें से आधा पैसा जन सेवा में लगाऊंगा मैं। अच्छा एक बात बताओ, चुनाव लड़ने में तो बहुत पैसे खर्च होते हैं, वो पैसे का इंतजाम कैसे होता है? पैसे का इंतजाम क्या है, मेरा छोटा सा व्यापार है और 250-300-400 रुपए जैसा भी मैं कमाता हूँ, है ना, उसमें से 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए ऐसे डिब्बा में डालता हूँ हमेशा, हर पंचवर्षीय के लिए। इसी से मेरा चुनाव लड़ने का वो कार्यक्रम शुरू होता है। तो नेताओं की तरह पैसे वैसे भी बांटते हैं क्या? जी नहीं, जी नहीं, मेरा तो प्रेम बांटने का काम है बस, लोगों से हाथ जोड़ता हूँ प्रेम प्रेम से, और ऐसे भैया लोगों से सब पैर पड़ता हूँ कि आप मेरे वोट दीजिए ऐसे। तो ये टी शर्ट में कुछ लिखा है, क्या लिखा है? आगामी 2023 का तैयारी है। अच्छा। कांग्रेस और भाजपा को टक्कर देने के लिए अजय पाली फिर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरेगा कवर्धा जिला कबीरधाम 72 से। तो समोसा फ्री में तो अपनी बात है चुनाव के दौरान? पैसा देते हैं फ्री, मत दो, ग्राहक लोग खुद पैसा देते हैं, भैया रहने दीजिए ना, मत दीजिए, समोसा खा लीजिए, एक तो मेरे तरह से नहीं, पैसा दे खाएंगे, आपको चुनाव लड़ना है ऐसा करके देते हैं। तो चुनाव प्रचार कैसे करते हो आप? आपके साथ कौन लोग आते हैं चुनाव प्रचार में? मेरे साथ मजदूर भाई कोई आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेला ही लड़ता हूँ, ये भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ और है ना, अकेला जैसे कि चुनाव लड़ने में बहुत मजा आता है, अकेला मुझे बहुत संघर्ष करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैं जनता के बीच जाऊँ और जनसेवा करूँ, बहुत अच्छा से जनसेवा करना चाहता हूँ। अभी तक कौन कौन सा चुनाव लड़ चुके हो? जी मैं नगर पालिका अध्यक्ष लड़ चुका हूँ, विधानसभा लड़ चुका हूँ और लोकसभा भी लड़ चुका हूँ और नगर पालिका अध्यक्ष भी, और अभी बीच में जो हुआ था मतलब कोई चुनाव नहीं बचा है आपसे? हाँ जी, कोई चुनाव नहीं बचा। तो जीत क्यों नहीं पाते हो भाई? क्या जनता खुद नहीं समझना चाहती ना, कि जनता खुद दर दर ठोकर खाना चाहते, तो मैं किसे बताऊँ आपला, कि जनता मतलब समझाना चाहता हूँ, आगामी 2023 में अपन कमर कस लो कि ये बार कमरधा के विधायक आपके अजय पाली होना चाहिए, कि निर्दलीय प्रत्याशी और दमदार प्रत्याशी के रूप में खड़े हो तो मैं, और आप सब मोला आशीर्वाद दहूँ, क्योंकि जनता जन जनार्दन आशीर्वाद रैली भी निकाल चुके हो मैं। बहुत चालू हो गुरु, मतलब हमारे ही चैनल में आप अपना प्रचार शुरू कर दिए। जी जी जी। तो इस बार क्या खास रहेगा, क्या मुद्दों को लेकर जाओगे, क्या करोगे? आप विधायक बन जाओगे तो पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा, 111 फीट का बजरंग बली का प्रतिमा बनवाऊंगा। अच्छा है ना, उसके बाद पूजा पाठ हमेशा करूंगा और वहीं से मेरा कार्यकाल शुरू हो जाएगा, मैं विधायक बन जाऊंगा तो 111 फीट का बजरंग बली। जनता के लिए क्या करोगे? जनता के लिए बहुत कुछ काम करूंगा, जैसे कि ऐसी क्या योजनाएं हैं आपके ऊपर, आपका मैनिफेस्टो समझते हो ना, घोषणा पत्र, आपका घोषणा पत्र क्या है? मेरा घोषणा पत्र ये है, जैसे कि हम नवीन बाजार चले जाते हैं, यहाँ लोहारा नाका से लेकर गुरु गोविंद चौक सके आप आधा घंटा पार नहीं कर पाते, है ना, रोड के किनारे हमारे भाई लोग सब्जी वाले लगाते हैं और आम नागरिक को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं सोचा हूँ जब विधायक बन जाऊँगा सबसे पहले शिलान्यास पुराना मंडी को करूँगा, वही नवीन बाजार बनाऊँगा। अच्छा, और तो इस बार और क्या मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर जाओगे? मुद्दा तो बहुत रहेगा सर, मुद्दा तो बहुत है, बाकी आप जनता समझ जाए, समझाने कोशिश बहुत करता हूँ, इस बार ये मेरा आखिरी चुनाव रहेगा, इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्यों, ऐसा क्यों? अब क्या है, उदास हो गया हूँ मैं,
जनता को समझाते ही समझाते थक गया हूँ। जनता आपकी नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही। इस बार समझ जाए तो मैं मानूंगा कि दिल्ली अगर होता, दिल्ली होता, यूपी होता, बिहार, तो मैं आज विधायक रहता या तो सांसद रहता। तो यहाँ क्यों, क्या इतनी नाराजगी हो गई जनता से? यहाँ नहीं, नाराज नहीं हुआ। जनता तो मेरे बहुत आशीर्वाद, हम क्या है छोटे ही सर के, तो हमारे जनता, हमारे ही भाई गरीब आदमी मजाक उड़ाते हैं कि यह कैसा टाइप का चुनाव लड़ता है, क्या है। और रीजन को ही समझ कि मेरे में कैंपियन करने का तरीका ही अलग है। मैं लोगों से मिलता हूँ, आप देखे हैं मीडिया वाले भाई सभी बहुत सपोर्ट करते हैं। लोग बता रहे थे आप नींबू मिर्ची लटका कर भी निकल जाते हैं, उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि लोग देखें कि क्या है ये अजय पाली कैसा टाइप का प्रचार कर रहा है, क्या है। मेरे नजर उजर लग जाता है क्या लोगों? कभी कभी नजर लग जाता है। नजर उतारने के लिए नींबू मिर्ची का माला पहनना बहुत जरूरी रहता है। इस बार तो लहसुन का माला पहनूंगा मैं, क्योंकि लहसुन का 120 रुपए किलो है। इस बार और क्या नया करेंगे चुनाव प्रचार के दौरान? कुछ नया रहेगा अभी तो सोचा नहीं हूँ, अभी नहीं बताएंगे जी। नहीं ठीक है, मीडिया वाले भाई आएंगे सब बताएंगे। आप सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं। आप लोगों ने मुझे बहुत जनदर्शन, जनता जनार्दन का बहुत सहयोग मिल रहा है। और आपके चैनल इस बार जीतोगे? इस बार पक्का जीतने का निर्णय लिए हैं। मंदिर के सामने महामाया मंदिर का आशीर्वाद है। और चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी चुनाव लड़ेगा, माननीय मोहम्मद अगर भी चुनाव हारना ही पड़ेगा इस बार। किससे होगी आपकी सीधी टक्कर? दोनों से होगी, कांग्रेस भाजपा दोनों से। दोनों को हरा दोगे आप? दोनों को हरा दूंगा इस बार। तो आप देख सकते हैं कि दावे तो बहुत हैं, और बाबा पाली जो हर चुनाव लड़ता है इस बार भी कमर कस के सर पे कफन बांध कर ये तैयार हैं। और देखने वाला ये नज़ारा होगा कि आने वाले चुनावों में जो 2023 में कुछ ही महीनों बाद होने हैं, उसमें ये किस तरीके से अपना प्रचार करते हैं। और लोग भी उत्सुक रहते हैं इन्हें देखने के लिए। अब आगे तो जनता तय करेगी कि उनका विधायक कौन होगा। छत्तीसगढ़ तक के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।